इंडियन सिनेमा के अंदर एक ऐसी भी इंडस्ट्री है जिनकी मूवीज किसी सुपरस्टार या डायरेक्टर के नाम पे नहीं चलती। बिना किसी स्टार पावर के सिर्फ अपने कंटेंट के दम पर ही उनकी मूवीज हिट होती है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मराठी फिल्म इंडस्ट्री की, जो फिलहाल नेक्स्ट लेवल का हिस्टोरिकल कंटेंट बना रहे हैं और जो काम बॉलीवुड या साउथ के मेकर्स नहीं कर सके वो मराठी फिल्म इंडस्ट्री करके दिखा रही है। अपना प्राण अपेक्षा प्रिय अपना भगवान थेट आदिलशाही छातानात नेऊन काढायचा। साउथ की मूवीज और उनकी सक्सेस की बातें तो सभी करते हैं, पर मराठी फिल्म इंडस्ट्री जिस जॉनर में मूवी बना रही है, स्पेशली श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर पूरी की पूरी एक मूवी सीरीज बन रही है। और इस मूवी सीरीज को अष्टक ऐसा नाम दिया है क्योंकि इसमें पूरे 8 मूवीज बन रहे हैं, जिसमें से 4 मूवीज रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा सक्सेस भी मिल चुका है। और इतनी बड़ी मूवी की फ्रेंचाइजी बन रही है, रिलीज होके हिट भी हो रही है, बट नोबडी नोज अबाउट दैट। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लेजेंड वॉरियर के ऊपर बॉलीवुड ने एक भी मूवी नहीं बनाई और किसी साउथ के मेकर्स ने भी ये काम नहीं किया। पर अजय देवगन ने एक मूवी बनाई थी तानाजी, ओम राउत ने इसे डायरेक्ट किया था जो कि एक मराठी डायरेक्टर है। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी मावलों की स्टोरी विजुअली इतना ग्रैंड किसी ने भी नहीं दिखाया था। बड़ी बात यह है कि चौथी पांचवी के जो बच्चे होते हैं स्कूल के, उन्हें शिवाजी महाराज की पूरी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और अजय देवगन की जो मूवी है तानाजी उस हिस्ट्री का सिर्फ एक चैप्टर है। तो सोचो उस किताब के हर चैप्टर के ऊपर एक मूवी या सीरीज बनती है तो शिवाजी महाराज का कितना बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकता है। और वही चीज बनाने का काम कर रही है मराठी फिल्म इंडस्ट्री अष्टक की मूवी सीरीज बना के और स्टैंड अलोन मूवीज बना के। पहला बार लाख बोला था। रिसेंटली एक मराठी मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था सर सेनापति हंबार राव। इस मूवी को मराठी फिल्म इंडस्ट्री का बाहुबली कहा जा रहा है, स्पेशली उसके विजुअल्स के लिए। अब मराठी फिल्म इंडस्ट्री एक अंडररेटेड फिल्म इंडस्ट्री में से एक है, जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उनके जो मूवीज बनते हैं उनका बजट काफी कम होता है। वैसे में जब तुम हिस्टोरिकल मूवीज बनाते हो तो उसे अच्छा खासा बजट की जरूरत होती है, क्योंकि कॉस्ट्यूम से लेके VFX की हाई डिमांड होती है ऐसे मूवीज में। पर काफी कम बजट के अंदर ही अष्टक मूवी सीरीज की मूवीज बन रहे हैं, फर्जन से लेके शेर शिवाजी तक, और पावन खिंड को भी देख लो। ये मूवीज विजुअली उतनी अपील नहीं करती, पर इन मूवीज की जो स्टोरी टेलिंग है वो काफी टाइट और जबरदस्त है, और इस स्टोरी टेलिंग को चार चांद लगाता है सभी एक्टर्स की पावरफुल परफॉर्मेंस, और बिना किसी ग्लैमर और मिर्च मसाला के सिर्फ एक प्योर सी कहानी बताते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, कल्चर और पोवाड़े होते हैं, और इन फोक को सभी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, और ये एक रीजन है जिस वजह से ये सीरीज बहुत हिट हो रही है। अष्टक की इस मूवी सीरीज को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा भी बहुत सारे स्टैंड अलोन मूवीज बन रहे हैं, और कुछ तो बन के रिलीज हो ही चुके हैं, जैसे कि सोनाली कुलकर्णी की हिरकनी और सर सेनापति हंबार राव। ये दोनों भी मूवी शिवाजी महाराज और उनकी मावलों की एक स्टैंड अलोन मूवी थी, लोगों ने इन मूवीज को काफी पसंद किया था। इसके अलावा रितेश देशमुख भी एक ट्रायलॉजी बना रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज पर, और इसका अनाउंसमेंट काफी पहले किया गया था। रितेश देशमुख इस मूवी के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का कैरेक्टर प्ले करेंगे और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं सैराट फेम नागराज मंजुले। अब ये ट्रायलॉजी कब रिलीज होगी ये पता नहीं, पर मराठी फिल्म इंडस्ट्री दिन बे दिन और ग्रैंड होती जा रही है, क्योंकि मराठी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स शिवाजी महाराज के ऊपर बड़ी बड़ी मूवीज बना रहे हैं। संभाजीला समजून घेण्याकरता तुम्हाला तुमचं काळी शिवाजीचं करावं लागेल। अष्टक मूवी सीरीज की बात की जाए तो उसका 5th पार्ट अगले साल आने वाला है, जो विजुअली काफी ग्रैंड होने वाली है, क्योंकि जो पिछले 4 मूवीज थी वो अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस पे कमाई कर चुकी है, और क्या पता आगे चल के अष्टक की मूवीज पैन लेवल पे भी रिलीज हो सकती है, क्योंकि इस मूवी सीरीज की एक अपनी ऑडियंस बन चुकी है। और मैं भी चाहता हूँ कि शिवाजी महाराज के इन मूवीज को पूरा इंडिया देखे, और इसी तरह से मराठी फिल्म इंडस्ट्री अगर मूवीज बनाती है तो जिस तरह से आज के डेट में साउथ का क्रेज है, उसी तरह से मराठी मूवीज का क्रेज होगा पूरी पैन इंडिया में, क्योंकि जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री बना रही है वो किसी गोल्ड से कम नहीं है, और बॉलीवुड और साउथ के मेकर्स को भी छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री के ऊपर मूवीज बनानी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो स्टार वॉर और मार्वल से भी बड़ा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकता है, जो पूरी दुनिया हिलाने की काबिलियत रखता है। इसी बात पे वीडियो दिल पे लगी हो तो लाइक करना, दिमाग में बैठी हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ, टेक केयर, गुड बाय। ए मराठ्यांचं अमुक्त शस्त्र घडवायला लागेल।